आखिर स्त्रियां ही प्रभु के आवाज को पहले कैसे सुन पाती हैं और पुरुष से पहले स्त्रियां ही विश्वास में कैसे बढ़ पाती हैं और चर्चा पाती हैं। जब पहली स्त्री हवा को शैतान गुमराह करने में सफल हो गया, तब परमेश्वर ही ने भविष्य में होने वाली घटना का वर्णन करके कहा, जो उत्पत्ति 3:15 वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, अर्थात शैतान को बोल रहा है कि शैतान के और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, अर्थात स्त्री के वंश सांप के वंश के सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, अर्थात जो सांप के वंश रहेगा वह स्त्री के वंश के एड़ी को डसेगा। अब समझने वाली बात यह है कि जिस स्त्री हवा को शैतान जो सर्प के अंदर था कमजोर कड़ी समझ रहा था, उसी स्त्री जाति को परमेश्वर ने बलवंत होने के लिए चुन लिया। तब से शैतान स्त्रियों को मिटाने में और उसको नष्ट करने में लगा हुआ था और लगातार स्त्रियों को सताया जाने लगा था। स्त्रियों को केवल काम वासना के पात्र समझने लगे थे और कुछ देशों में जब लड़की पैदा होती थी तो उसे मार डालते थे या अशुभ समझकर दूध में डुबाकर मार डालते थे या किसी गटर के पास किसी गंदे जगह पर जाकर उसे मरने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि शैतान उस घोषणा को जानते थे जिसे परमेश्वर ने हवा को दिया था। जब अब्राहम का भी समय आया और अब्राहम परमेश्वर को मानने लगा, तब भी शैतान यह विचार में था कि निश्चय इसी का वंश मुझे घात करेगा और साम्राज्य को मिटाएगा, मेरे वंश के सिर को कुचल डालेगा, मेरे बुराई का अस्तित्व को मिटा डालेगा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के मानने वाला है और अब्राहम से परमेश्वर प्रेम करने लगा है। इसलिए अब्राहम की पत्नी सारा को वह बांझ बना दिया था, उसके गर्भ में कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा था, अंधकार की शक्तियों ने रुकावट डाल दिया था। उत्पत्ति 12:4 वचन के अनुसार जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तब उसका उम्र 75 साल था, तब उसका उम्र 75 साल था। वह अपने भतीजे लूत को भी अपने साथ रख लिया था और शैतान भी उनके पीछे पड़ चुका था, शैतान भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और शैतान यह जानता था कि अब्राहम और लूत से परमेश्वर प्रेम करता है। अब समझने वाली बात यह है कि सारा तो बांझ थी, इसलिए लूत की बेटी और पत्नी को शैतान टारगेट किया और सदोम एवं अमोरा में भयंकर व्यभिचार और महापाप डाल दिया। केवल वहाँ पर काम वासना और व्यभिचार होने लगा ताकि उनकी बेटियाँ भी अपवित्र हो जाए करके, और फिर शैतान का चाल सफल हो करके, फिर जब परमेश्वर ने लूत को अपने दूतों के द्वारा आज्ञा दिलवाया कि वहाँ से निकल जाएं और पीछे ना देखें, मगर उत्पत्ति 19:26 वचन के अनुसार शैतान ने लूत की पत्नी के मन में ऐसा लालच भर दिया था कि वह परमेश्वर की बात को टाल दिया, जैसा हवा ने टाला था। हवा जिस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को ना मानी थी, उसी प्रकार लूत की पत्नी ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी और फिर वह 31 वचन के अनुसार लूत की बेटियां भी अपने आप को भ्रष्ट कर डाली। आगे देखते हैं 31 वचन के अनुसार लूत की जो बेटियां हैं वह भी अपने आप को भ्रष्ट कर डाली, अर्थात अपने ही पिता के साथ कुकर्म करके वंश उत्पन्न करने का उनका विचार आया और ऐसा ही कर डाली। अब शैतान ने सोचा कि परमेश्वर अब कैसे अपने कार्यों को पूरा करेगा, कैसे उस घोषणा को अंजाम देगा, जो स्त्री के वंश वाले जो घोषणा थी उसको कैसे पूरा करेगा, क्योंकि मैंने उसके प्रिय जनों के स्त्रियों को कुकर्म में फंसा दिया और कुछ को बांझ बना दिया करके। मगर जब अब्राहम और सारा ने परमेश्वर के लिए खाना बनाया और उसको अपने स्थान में बैठाकर पहुनाई की, तब परमेश्वर ने कहा
आने वाले वसंत ऋतु में तेरा एक पुत्र होगा। परमेश्वर उसकी पहुनाई को देखकर प्रसन्न हो गया और उसको यह आशीष दी कि आने वाले वसंत ऋतु में तेरा एक पुत्र होगा। यह बात को सुनकर शैतान का कलेजा मानो फट सा गया, क्योंकि वह सोचता था कि सारा हमेशा बांझ रहेंगी और बुजुर्गों में क्या उसके बच्चे होंगे, वो मर जाएगी करके। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब उससे कहा कि आने वाले वसंत ऋतु में तेरा एक पुत्र होगा। इसलिए वह लगातार अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए शैतान अपना प्रतिशोध का बदला लेने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहा और स्त्रियों को सताता रहा। जब मूसा के समय भी आया तब भी शैतान परमेश्वर की बातों को स्मरण करके जो अब्राहम से कहा था कि 430 साल बाद तेरे वंश को छुड़ाऊंगा, तेरे वंश को छुड़ाने वाले भेजूंगा, उस समय मूसा के जन्म के भी उस समय पूरा हो गया था। जब मूसा उस समय जन्म लिया तो वह जो गुलामी का 430 साल था वह 400 साल पूरा हो गया था मूसा के जन्म में। और इसलिए जितने बेटे उस समय उत्पन्न हो रहे थे मूसा के जन्म के समय में, उन सब को फिरौन मरवाने के आदेश दे दिए थे और शैतान मरवाने की घोषणा कर दिया था। यह समय बीतते ही जा रहा था, लगभग 4000 साल बीत गया था। तब उत्पत्ति 1:18 वचन के अनुसार परमेश्वर को वह स्त्री आखिर मिल ही गई जो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र थी, निर्दोष थी और निष्कलंक थी, और उसी के गर्भ में प्रभु यहोवा का जन्म हुआ। अर्थात वह स्त्री मरियम के अंदर प्रभु आने का निर्णय लिया। किसी पुरुष का मरियम के अंदर किसी पुरुष का खून नहीं था, वह कुंवारी गर्भवती हुई थी। यह इसलिए हुआ ताकि वह घोषणा पूरा हो जो परमेश्वर ने हवा के वंश के बारे में कहा था, अर्थात स्त्री के वंश के विषय में, वह उत्पन्न होगा जो शैतान के वंश को मिटाएगा करके और उनके हुकूमत को कुचल डालेगा, और वह वंश यीशु ही है। अर्थात स्त्री का वंश यीशु मसीह ही है, जिसमें बिना पिता का कोई खून नहीं है। वह खुद ही गर्भ में हार्मोन्स बनकर खुद ही वह पूरा तरीका से पैदा हुआ, क्योंकि संसार में वंश और पीढ़ी बाप और दादा परदादाओं से चलती हैं, स्त्रियों से नहीं चलती। मगर जब से प्रभु यीशु मसीह ने गर्भ में आया मरियम का, तब से स्त्री का वंश शुरू हो गया। और वह मगर प्रभु केवल स्त्री से जन्मा था, इसलिए शैतान यह चाहता था कि प्रभु यहोवा मनुष्य बनकर आए ही मत, मैं ऐसा रुकावट डालूं कि प्रभु यहोवा कोई भी स्त्री के गर्भ में, कोई भी स्त्री के वंश में उत्पन्न ही ना हो करके और हमारा राज्य चलता ही रहे करके। जब से यीशु मसीह पैदा हुआ तब से स्त्रियों को आदर मिलना शुरू हो गया और परमेश्वर में किया गया प्रार्थना स्त्रियों को बलवंत बना दिया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण त्यागे थे और तीसरे दिन जब मृतकों में से वह जी उठा था, तब भी पहला दर्शन पाने वाली मरियम ही थी, स्त्री ही थी। एक स्त्री ही प्रभु का पहला दर्शन पाया था, अर्थात स्वर्गीय सामर्थ्य देह को पहला कोई देखने वाला व्यक्ति था तो वह मरियम थी, जो स्त्री थी, उसकी चेली थी, उसके साथ सहकर्मी थी, उसके साथ काम करने वाली थी। जैसे बाकी चेले थे वैसा वो भी थी, और वहीं प्रभु यीशु मसीह को पहली देखी थी और पूरा तरीके से परमेश्वर स्त्रियों को बलवंत बनाना शुरू कर दिया, पुरुष के समान अधिकारी हो और पुरुष के समान बल प्राप्त करे करके। अब वह समय आ ही गया कि स्त्री पुरुषों के मुकाबले बराबर के कामकाज में हाथ बढ़ाए और आगे बढ़े। इसलिए प्रभु यीशु स्त्रियों को आवाज़ देते हैं और पुकारते हैं और दर्शन देते हैं और उनके प्रार्थना को सुनते भी हैं। वरन प्रभु यीशु से पहले शायद ही स्त्री प्रभु यहोवा की सेवा और नबी के लिए चुनाए जाते थे। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, जन्म से पहले, जितने हम पुराने नियमों में हम देखते हैं वहाँ पर शायद ही स्त्रियाँ आपको नबी और पास्टर या परमेश्वर के चुने हुए सेवकों में शायद ही मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। मगर जब से यीशु मसीह जन्म लिया और जब से यीशु मसीह दुनिया में आया, तब स्त्रियों में भी नबी और
और पास्टर और शिक्षक और सहायक होने लगे और चर्च में पहले स्त्रियां ही ज़्यादा आने लगी और अभी भी आती है। इसलिए जितनी भी स्त्रियां हैं वह अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करे और अपने घराने को बचाए। निश्चय तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हारे घराना बचाया जाए। हम आपके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि आप जो कोई भी स्त्रियां हैं अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा अपने घराने को बचाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में सामर्थ्य हैं। अब वहाँ निर्बल स्त्री नहीं रही जो पुराने समयों में चल रही थी। अब जब से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है और जन्म लिया है, तब से वह स्त्रियों को उठाने और बलवंत करने में वह पूरे तरीके से जोर लगा दिया, ताकि कोई भी कमजोर ना हो। स्त्री और पुरुष की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए लिखा कि पति पत्नी की प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करता है। प्रभु आप सब के साथ रहे। निश्चय आप लोग भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप सबों के साथ रहे और आपके द्वारा पूरा घराना, पूरा बस्ती और पूरे शहर बचाया जाए और आप एक बलवंत स्त्री हो जाए, जैसा परमेश्वर कहती हैं कि हे सर्वांग सुंदरी, तू मेरी चुनी हुई बेटी है और तुझसे मैं प्रसन्न होकर के। प्रभु आप सबको सलामत रखे। आमीन आमीन।